Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, जिसका टॉपिक है कि अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे. नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं, ये आज हम देखेंगे. सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. दिस इज पाइल नंबर वन, दिस इज पाइल नंबर टू. पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है. आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, थर्ड पार्टी का नाम कौन सी पाइल में आता है, उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है. सो पाइल नंबर वन में है ए सी एफ जी जे के एन पी एस यू डब्ल्यू एक्स वाई एंड पाइल नंबर टू में है बी डी ई एच आई एल एम ओ क्यू आर टी वी जेड. सो अपनी अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी. मेरा एक नया चैनल है सोल मिस्टिक टैरो. उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर रीडिंग्स, उनके अनकहे जज्बात, वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, येस और नो रीडिंग्स, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी रीडिंग्स लेकर आती हूँ. सो अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक और खासियत है, मैं वहां पर किसी भी एक सवाल का जवाब अपने वीडियो में, हर वीडियो में देती हूँ. सो आप अपना क्वेश्चन वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं. हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही हो जो मैं रैंडमली पिक कर लूं. सो जल्दी से अपना क्वेश्चन वहां पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कीजिए. सो जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे. अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के रहने वाले हैं. नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं. फॉर पाइल नंबर वन पीपल आइए देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में, क्या चेंजेस आप विटनेस करने वाले हैं, क्या चेंजेस आप विटनेस करने वाले हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है. देखते हैं क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अगले चंद घंटों में अपने रिलेशनशिप में. आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं. सो पहला कार्ड यहां पर नाइट ऑफ विंड का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ विंड का कार्ड है. द नेक्स्ट इज एट ऑफ फायर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज वाइस काउंसलर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है. सिक्स ऑफ विंड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ अर्थ का कार्ड है यहां पर. सो यहां पर सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के जॉडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी. यहां पर जो आपके पार्टनर के जॉडिक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, देन इज कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस, देन इज एरीज लियो सजिटेरियस एंड बहुत कम यहां पर स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस हैं. सो जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए निकल कर आई है जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है. बाकी लोग इस रीडिंग को देखकर अपने आप को भ्रमित मत कीजिए, बट आप इस रीडिंग को इस तरह से देख सकते हैं कि हीलिंग के बाद रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं, एनर्जी के अंदर चेंजेस किस तरह के आते हैं वो आप देख सकते हैं. ठीक है. सो अगले चंद घंटे आपके इस रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. आप बहुत पेशेंस के साथ अपने पार्टनर का इंतजार भी कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर, कुछ लोग अपने पार्टनर के कॉन्टेक्ट में हैं लेकिन थोड़े ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं. तो यहां पर अगले कुछ घंटों के अंदर आपके पार्टनर, जो लोग अभी तक नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपके पार्टनर आपके साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने वाले हैं. आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि उनके जीवन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है,
उनके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जीवन के अंदर बहुत सारे रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, वो इन सभी चेंजेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको अपने हालात कहीं ना कहीं बयां करेंगे। आपके पार्टनर जो हमेशा से जगलिंग मोड में रहे हैं, वो ये डिसीजन अगले कुछ घंटों में बनाने वाले हैं कि अब उन्हें इस जगलिंग मोड से बाहर निकलना है, ताकि वो अपने जीवन के अंदर बैलेंस लेकर आ पाए और अपने जीवन को खुलकर जी पाए। इसलिए आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, वो आपको बताएंगे कि उन्हें फाइनेंशियली भी कुछ लॉसेस हुए हैं। आपके पार्टनर आपसे जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो इमोशनली अपने हर एक सिचुएशन आपके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। यहां पर नाइट ऑफ विंड का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत इंपल्सिव होकर ये डिसीजन बनाने वाले हैं, वो काफी डिफेंसिव होंगे। जब आप उनसे ये बात कहेंगे कि आपने उनका बहुत इंतजार किया और आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, तो वो अपनी दलील आपके सामने रखने वाले हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे और वो ये प्रूव कर देंगे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, हालात गलत थे। ठीक है, आपके पार्टनर ये कॉन्टैक्ट बनाने में बिल्कुल भी डिले नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनका दिमाग अब उनसे ये चीज कह रहा है कि उन्हें आपके साथ होना चाहिए। वो इमोशनली तो आपके साथ अटैच है ही, लेकिन अब उन्हें आपको अपने हालात बयां करने चाहिए। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के ऊपर कुछ ट्रस्ट इशू होगा, आप इतना ज्यादा अपने पार्टनर के ऊपर यकीन नहीं कर पाएंगे। और ये जो चीज होने वाली है, ये बहुत अचानक से होने वाली है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन टर्म्स में हैं और आप अपने पार्टनर से बहुत दिनों से चीजों को पूछते जा रहे हैं, तब भी आपके पार्टनर अपनी बातों को आपके सामने नहीं रख रहे, और अचानक से आपके पार्टनर अपने दिल की बातें आपके सामने रख देंगे, तो आपके लिए ये चीज बहुत अजीब भी होगी और आप थोड़ा सा वक्त लेंगे उन सारी बातों को सोचने के लिए। आप अपने इंट्यूशन से पूछिएगा, अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइडेंस देती है कि आपके पार्टनर जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो वहां पर अपने विजडम को ट्रस्ट कीजिएगा और अपने इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही हिम्मत से आपसे ये सारी बातें कहने वाले हैं, आप इसी वक्त का तो इंतजार कर रहे थे, तो अब आपकी एनर्जी में ऐसा क्यों निकल कर आ रहा है कि आप बहुत कुछ चीजों के बारे में सोचने वाले हैं? प्लीज, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल से वो इस जगलिंग जोन से निकले हैं, आपने इतना पेन बर्दाश्त किया है, आपने तब गाइडेंस को फॉलो किया जब आप कुछ जानते ही नहीं थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन फिर भी आपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट किया और ये आपके ट्रस्ट का ही नतीजा है जो आपके पार्टनर आपके सामने अपनी सारी बातें रखने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल सा प्रपोजल देंगे और एक टाइम पीरियड भी आपको देंगे कि आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए, वो आप ही की तरफ को डेडिकेटेड हैं, वो अपना हक आपके ऊपर जताएंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपसे वक्त इस वजह से मांगने वाले हैं कि उनके जीवन के अंदर जो भी सिचुएशन है वो उसे कम्प्लीटली फिनिश करना चाहेंगे। आपको एप्रिहेंशंस के अंदर नहीं आना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पार्टनर अगर अब इस थर्ड पार्टी के पास जाने की बात कर रहे हैं तो वो वापस ही नहीं आएंगे, एप्रिहेंशंस नहीं रखनी है। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको बहुत डिटेल में सोच के फिर एक्शन लेना है, मतलब अपने पार्टनर को कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। आपके पार्टनर पूरी सोच समझ कर पूरे विश्वास के साथ आपसे अपनी बातें शेयर करने वाले हैं, जो आपके पार्टनर आपको डिटेल्स में चीजें बताएंगे उन्हें ध्यान से सुनिएगा, उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, और परफेक्ट टाइमिंग, जिस टाइम का वो आपको इंतजार करने के लिए कह रहे हैं उस टाइम का इंतजार कीजिएगा। आप दोनों के इस रिश्ते को एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो थोड़ा सा वक्त मांगते हैं तो ये वक्त उन्हें दीजिए। ठीक है, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर निकल कर आएंगी, विश्वास रखिए अपने पार्टनर के ऊपर, खुद पर, अपने प्यार पर। यहां पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है,
आपके पार्टनर के इस तरह से आपको कांटेक्ट करने से, इस तरह से आपको बातें बताने से आप बहुत खुश होंगे। आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर रहे हैं, आपको ये देखकर भी खुशी होगी। आपको ये भी लगेगा कि अब आपको आपके पार्टनर के प्लान्स में उनकी मदद करनी चाहिए। आपके सामने इस रिश्ते को रख कर आपके पार्टनर एक बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपका ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होगा, ठीक है। और आपको काम करने के लिए एक नया स्पेयर मिलने वाला है। द रीजन इज दैट कि आपके पार्टनर आपको बताएंगे थर्ड पार्टी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको इस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने पार्टनर को इस चीज से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो आप कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा बिजी होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी इस लाइफ के नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं, जहां पर आपका रिश्ता मजबूत होगा। मैं दोबारा से कह रही हूँ, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, जिन लोगों ने अपने रिश्ते के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लिए हैं। अपने आप को बहकाने की कोशिश मत कीजिए। फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम ऐसा तो हुआ ही नहीं, हमारे पार्टनर ने हमें कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पर तभी एनर्जी को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर देती हूँ। आप दोनों के रिश्ते का जो ये चैलेंज भरा वक्त है, ये अगले कुछ घंटों में खत्म होने जा रहा है, ठीक है। चीजें पेस पर होंगी, आपको रिलीफ मिलेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही शांति का अनुभव करेंगे। आपके पार्टनर की जो मनोस्थिति है आपसे बात करने के बाद सुधरती हुई नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपनी बातें बताकर, आपका साथ लेकर, आपको साथ लेकर वो एक नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में। यहाँ पर वाइस काउंसलर का कार्ड है, ये कार्ड आपके हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने पार्टनर को हील किया है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो वक्त वो आपसे मांग रहे हैं, उस वक्त में आप उनकी मदद करके इस थर्ड पार्टी को कंप्लीटली एग्जिट कर पाएंगे, ठीक है। और आपको जहां पर भी अब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिवाइन से हेल्प मांगिएगा, आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और आपको इस थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी गलत कर्मा करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी गलत रास्ते पर मत चलिएगा, उससे चीजें बिगड़ सकती हैं आपके लिए, आपके अपने कर्मास खराब हो सकते हैं, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, इस डेक से देखते हैं अगले चंद घंटे आपके इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। वेट अ सेकेंड, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। तो यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जॉय का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पैशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज गिल्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फेकेट का कार्ड है, द नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक इज इम्पार्शियलिटी का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके पास न्यूट्रल होकर वापस आते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी की तरफ को पार्शियल नहीं होंगे, वो आपकी तरफ को पार्शियल नहीं होंगे, लेकिन वो अपने जो उनके हालात हैं उनको बहुत खूबसूरती के साथ आपके सामने बयां करेंगे। वो बताएंगे आपको कि उनके जीवन के अंदर क्या हो रहा था, किस तरह से हो रहा था, और उस चीज से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अपने पार्टनर की बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप दोनों के बीच का जो ये रिलेशनशिप आपको लग रहा था कि खत्म हो गया है, वो आपके पार्टनर के आने से कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। आपने तो मान लिया था कि चीजें खत्म हो गई हैं, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की बातें सोच रहे थे, वहीं पर आपका ये रिलेशनशिप अब कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है अगले कुछ घंटों में। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ बहुत ही इंजॉयबल एनर्जीज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और आप दोनों अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करने वाले हैं। आप उनकी छोटी छोटी बातों पर उन्हें याद करवाएंगे कि आपके जीवन में उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है। यहाँ पर पैशन का कार्ड है, आपके पार्टनर आपके ऑरा से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आप से एक
तरह से कहूं तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, वो आपसे दूर जाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहीं पर ये साइकिल कंप्लीट होता है। आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में होंगे, वो अपने गिल्ट को आपके सामने रखेंगे, वो अपने जीवन में कितना पेन सहन कर रहे थे वो रखेंगे आपके सामने, और उन्हें इस बात का दुख होगा कि उनकी वजह से आपके जीवन में इतने ज्यादा पेन रही है, इतना ज्यादा आपने उनकी वजह से सफर किया है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से इस थर्ड पार्टी ने आपके और उनके बीच में गैप क्रिएट किया और उनके क्या हालात थे, ये सारी चीजें वो बयां करने वाले हैं, और वो क्यों इस थर्ड पार्टी के पास चले गए ये चीज भी वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपने वक्त रहते अपने इस रिलेशनशिप को संभाल लिया और आज रिजल्ट आपके सामने है। आपके पार्टनर आपके साथ अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो, उस चैनल पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से अनकहे जज्बात आपके लिए, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, आइए देखते हैं कि अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखते हैं अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के रहने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, ईगो का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के जोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के जोडिक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एरीज लियो सजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस, एंड सबसे कम यहाँ पर एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज रहने वाला है। आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो डिप की ओर जा रही है, बिकॉज अगले कुछ घंटों के अंदर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज करने के लिए कोई एक्शन लेती हुई यहां पर नजर आ रही है।
आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, या इन दोनों की मैरिज फिक्स हो सकती है अगर अभी तक दोनों अनमैरिड हैं तो, और अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी अपने आप में बहुत ही ज्यादा सेल्फिश बिहेव करने वाली है अगले चंद घंटों में, और यहां पर आपको ये नजर आएगा कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। उन्हें अपने फाइनेंसेस से मतलब है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर सोच रहे हैं। ये सारी चीजें आपको महसूस होंगी। आपके पार्टनर सोशली डिस्कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अगले कुछ घंटों में। वो अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला करने की कोशिश करेंगे ताकि वो इस पेन से निकल पाए। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मेंटली एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं अगले चंद घंटे। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को अगले कुछ घंटों में यह एहसास होगा कि इस थर्ड पार्टी को कोई एक्शन लेने की जरूरत है, और इस एक्शन के बाद ही ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल हो सकती है, ऐसा इस थर्ड पार्टी को लगने वाला है। आप अगले कुछ घंटों में अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये रिश्ता आपके हाथ से जा रहा है। हो सकता है कि आपको कोई वियर्ड सा ड्रीम आए आपके पार्टनर के रिगार्ड में, इस रिश्ते के रिगार्ड में आप कुछ महसूस कर पाएंगे, इंट्यूशंस होंगी आपको, और वहीं पर आपके पार्टनर ये महसूस कर पाएंगे कि उनके जीवन के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी की वजह से उन्हें ये सब पेन एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है। आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं। वो विश करने वाले हैं कहीं ना कहीं डिवाइन से कि डिवाइन आपको उनके जीवन के अंदर भेज दे और आप उन्हें इस मुसीबत से निकाल लें। आपके पार्टनर मजबूरी में जो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने वाले हैं उससे आपके पार्टनर खुश नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर डिप है। आपके पार्टनर दूर से देखकर आपको लगेगा कि वो ईगो में है, बहुत ही ज्यादा ईगो में है। आपके पार्टनर इल्यूजन्स में ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हैं। आपके पार्टनर गो विद द फ्लो की एनर्जीज को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर जगह देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ को, एडिक्शंस की तरफ को अगले कुछ घंटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इस थर्ड पार्टी की जिंदगी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस अगले कुछ घंटों में आपको नजर आएगी। इस थर्ड पार्टी को आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर देखिएगा, ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रही होगी जिससे आपको ये लगेगा कि ये थर्ड पार्टी बहुत केयरफ्री है और अपनी जिंदगी को फुलेस्ट एंजॉय कर रही है। इस थर्ड पार्टी का प्लान सक्सेसफुली काम भी करेगा, ये भी एनर्जी यहां पर नजर आ रही है। सो जो आपके पार्टनर के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाली है, इस चीज को भी हम थोड़ा सा यहां पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ओके, एक नई डायरेक्शन की तरफ को आपके पार्टनर बढ़ने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी जिस डायरेक्शन में आपके पार्टनर को चलाना चाहती है उस डायरेक्शन की ओर आपके पार्टनर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मर्जी से नहीं वो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, लेकिन आपके पार्टनर को ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगी, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी का क्या एक्शन रहेगा, मीन्स क्यों ये एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, द वर्ल्ड, ये
थर्ड पार्टी अपने वक्त को बदलना चाहती है, इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है अगले कुछ घंटों में ये थर्ड पार्टी ये महसूस करेगी कि बहुत टाइम हो गया है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और ये थर्ड पार्टी अपने जीवन को इस तरह से अनबैलेंस करके नहीं रह सकती है, तो इसलिए ये थर्ड पार्टी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप उठाने जा रही है। और आपके पार्टनर अपने आप को सोशलाइज क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, वो क्यों कट करना चाह रहे हैं अपने आप को, ताकि वो अपने जीवन के अंदर बैलेंस लेकर आ पाए। आपके पार्टनर अपने जीवन के अंदर ये चीज महसूस कर पा रहे हैं कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, वो अपने जीवन को उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं। वो इस थर्ड पार्टी के आइडियाज को देख तो रहे हैं लेकिन वो इस डायरेक्शन में एक्ट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन मजबूरी उन्हें इस डायरेक्शन की ओर ले जाएगी। आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में अपने ऊपर से अपना कंट्रोल लूज करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी कंट्रोल को बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों से कट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये ईगोइस्टिक एनर्जीज क्यों नजर आ रही हैं आपके पार्टनर की, इस चीज के ऊपर भी मैं क्लारिफिकेशन लेना चाहूंगी। ओके, ये मूव है इस थर्ड पार्टी का, इस मूव की वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद के ऊपर डिपेंड करवाने वाली है। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपने ऊपर यकीन नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे। आपके पार्टनर अपना पर्सनल बैलेंस और करियर में बैलेंस दोनों अगले कुछ घंटों में खोते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी की वजह से इरिटेशन बढ़ेगी और उनकी ईगो बढ़ने वाली है, उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा फेलियर कैसे अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक तिलमिलाहट नजर आ रही है अगले कुछ घंटों में। आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं ना कहीं तरसते हैं, ये एनर्जी भी अगले चंद घंटों में रहने वाली है उनकी। वो एक्शन नहीं लेना चाह रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि कोई फोर्सिबली उनसे ये चीज करवाने की कोशिश कर रहा है। ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा मतलबी इस वजह से है क्योंकि ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट है, जो भी एक्शन ये थर्ड पार्टी लेती है उस चीज को लेकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये अपने गोल तक पहुंच जाएगी। रेस्टलेसनेस इस थर्ड पार्टी को अगले चंद घंटों में रहने वाली है, कहीं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से विड्रॉ ना कर ले, अपने आप को स्टेप बैक ना कर ले, इस वजह से ये थर्ड पार्टी कुछ इमीडिएट एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी फोकस्ड रहने वाली है इस रिलेशनशिप के प्रति अगले चंद घंटों में, तो आपके रिलेशनशिप के लिए एक डिप की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज डिप एक्सपीरियंस करने वाली हैं। सो अब इस डिप से देखते हैं कि अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के रहने वाले हैं। तो बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इंस्टिंक्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कंफ्यूजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रोथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेल्फ वर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विजडम का कार्ड है। अगले चंद घंटों में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए कोई स्टेप लेने वाली है, इसकी एनर्जी इस कार्ड से कंफर्म होती है और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और गैप की एनर्जी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं बल्कि वो एक कंफ्यूजन की एनर्जी इसके अंदर एंटर करने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करेगी, आपके पार्टनर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपके पार्टनर को पता भी नहीं लगेगा कि ये एक्शन ये थर्ड पार्टी ले रही है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की एनर्जीज में आपके पार्टनर अगले चंद घंटों में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी अगले चंद घंटों में ग्रोथ की एनर्जीज को विटनेस करने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जड़ों को काटती हुई नजर आ रही है और अपने सपनों का महल आपके पार्टनर की इच्छाओं के ऊपर खड़ा करने की कोशिश करने वाली है और इस चीज में ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल भी होगी, ठीक है। और आपको इस चीज की इंट्यूशन रहने वाली है कि कुछ तो गलत हो रहा है। आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि आपके जीवन के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है,
ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि सच में ऐसा कुछ हो भी रहा है कि सिर्फ आपको ही इंट्यूशन हो रही है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देने वाली है। आपके पार्टनर को लेकर इस थर्ड पार्टी को अगले चंद घंटों में ये एहसास होगा कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डिजर्व करती है, और जो स्टेप ये थर्ड पार्टी ले रही है वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। तो अपनी सेल्फ वर्थ को अगले कुछ घंटों में ये थर्ड पार्टी समझती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरह की रहने वाली हैं कि कहीं ना कहीं अंदर से उनको गिल्ट भी होगा, वो आपसे माफी मांगेंगे, सोल लेवल पर वो आपसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट की एनर्जीज में अगले कुछ घंटों में रहने वाले हैं, लेकिन वो फ्री नहीं है कि वो कोई भी एक्शन ले पाए। तो कहीं ना कहीं घुटन आपके पार्टनर को महसूस होने वाली है, और आपके पार्टनर अपने विजडम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस विजडम का इस्तेमाल ये थर्ड पार्टी करती हुई नजर आ रही है। बहुत ही चालाकी से, बहुत ही कुशलता से ये थर्ड पार्टी अपने रिलेशनशिप को आपके पार्टनर के साथ एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती हुई नजर आ रही है। सो अपने पार्टनर को इन एनर्जी से बचाइएगा जरूर, नहीं तो रिलेशनशिप और एक गड्ढे की तरफ को जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए ताकि आप समझ पाए कि आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी अगले कुछ घंटों में क्या ब्लॉकेजेस खड़ी करने वाली है और आप किस तरह से अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। सो फॉर पाइल नंबर टू पीपल, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए रेमेडीज और अपना हीलिंग का प्रोसेस कुछ गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और नया चैनल है, सोल मिस्टिक टैरो, उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में कुछ वीडियोस पोस्ट करती हूँ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से उनके अनकहे जज्बात, उनकी तरफ से लव लेटर रीडिंग्स, येस और नो रीडिंग्स, पेंडुलम रीडिंग्स, ये सब रीडिंग्स मैं वहां पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।